वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी मनोज कुमार चौहान ने नगरायुक्त का चार्ज संभाल लिया है। नगरायुक्त कैंप कार्यालय पर उन्होंने देवेंद्र सिंह कुशवाहा से नगरायुक्त का चार्ज लिया। नगरायुक्त मनोज कुमार चौहान की गिनती तेज तर्रार अधिकारियों में होती है और अपने बड़े फैसलों के लिए वो जाने जाते हैं। इस दौरान नगर निगम के तमाम अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। चार्ज लेते ही उन्होंने नगरायुक्त कैंप कार्यालय पर अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शासन की प्राथमिकता और केंद्र सरकार की योजना उनकी प्राथमिकता पर रहेगी। साथ ही मेरठ को स्वच्छ और सुंदर बनाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। नगरायुक्त मनोज कुमार चौहान ने कहा कि वो जनता और जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर चलेंगे और मेरठ को एक मुकाम पर पहुंचाएंगे। बता दें कि मनोज कुमार चौहान इससे पहले मुजफ्फरनगर में एडीएम प्रशासन रहे। मेरठ उनके लिए नया नहीं है क्योंकि वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर भी रह चुके हैं। वहीं नगर निगम के अपर नगर आयुक्त रहे रामभरत तिवारी ने भी अपना चार्ज छोड़ दिया है। बता दें कि रामभरत तिवारी को रामपुर में अपर जिला अधिकारी न्यायिक के पद पर भेजा गया है। जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं हैं, शासन की प्राथमिकताएं हैं और भारत सरकार की प्राथमिकताएं हैं नगर निगम के संबंध में, वो सभी प्राथमिकताएं हमारी हैं और शहर को स्वच्छ बनाना और उसको एक मुकाम देना, ये मेरी सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता में रहे। हम सभी मिलकर जो भी नागरिक हैं और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं सभी के साथ समन्वय सहयोग करके उस शहर को एक स्वच्छ और अच्छा शहर बनाए। परतापुर दिल्ली देहरादून बाईपास के पास मंगलवार दोपहर अचानक IOCL की पानीपत हरियाणा से डिपो में आ रही पाइपलाइन में तेल का रिसाव होने से अचानक आग लग गई। तेल पाइपलाइन में आग लगते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग की सूचना पर पहुंची IOCL, RAF और फायर ब्रिगेड की टीम ने सिविल डिफेंस के साथियों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। दरअसल परतापुर में विशेष परिस्थितियों में तेल पाइपलाइन में आग लगने के बाद उस पर काबू पाने का मॉक ड्रिल किया गया था। मॉक ड्रिल में FSO परतापुर मुकेश कुमार ने सभी IOCL के कर्मचारी और RAF के जवानों को किसी भी परिस्थिति में आग पर काबू पाने के गुर सिखाए। वहीं IOCL के असिस्टेंट सौरभ गुप्ता ने बताया कि गर्मियों में आग लगने की ज्यादा संभावना रहती है, जिससे बचने और आग पर काबू पाने के लिए समय समय पर IOCL के अधिकारी दमकल विभाग के साथ कर्मचारियों को मॉक ड्रिल के जरिए आग पर काबू पाने की जानकारी देते हैं। जो लोग यहाँ पे नए हैं उनको मैं थोड़ा सा पहले बता दूं, अपना पाइपलाइन जो ऑयल का फ्लो हो रहा है प्रतापुर क्षेत्र में पाइपलाइन द्वारा, उनके अधिकारियों द्वारा पाइपलाइन जो सप्लाई है ऑयल, एक ऑफसाइड मॉकड्रिल का आयोजन किया गया और इसमें इस प्रकार की जो ड्रिल है ये आगे के टाइम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और इसमें हमको अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है और इस तरह की जो ड्रिल होंगी तो उसमें जो आसपास के लोग हैं वो जागरूक होंगे और उसके किसी भी अग्निकांड के नियंत्रण होने में सहायक सिद्ध होंगे। मेरठ केमिस्ट एंड ड्रगिस्टिक एसोसिएशन के एक दिवसीय बंद के आह्वान पर व्यापक असर मेरठ में देखने को मिला। सुबह से ही मेडिकल स्टोर पर ताले लटके रहे और दवा व्यापारी दवाओं की बिक्री संबंधी बनाए गए नए नियमों का विरोध करते दिखाई दिए। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का विरोध कर रहे व्यापारियों का कहना है कि दवा की हर बिक्री को अपडेट करना संभव नहीं है, इसलिए वो सरकार के नए नियम का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि सरकार ने दवाओं की बिक्री संबंधी नए नियम तय किए हैं, जिसके तहत दवा विक्रेताओं को डॉक्टर्स की पर्ची को वेबसाइट पर अपलोड करना होगा, तभी वो किसी को दवा दे सकेंगे। सरकार ने दवा विक्रेताओं की एक दिवसीय हड़ताल पर सख्ती दिखाते हुए एस्मा लगाने का ऐलान कर दिया है। वहीं सरकार के दवा बिक्री संबंधी बनाए गए नए नियम के विरोध में मेरठ केमिस्ट एंड ड्रगिस्टिक एसोसिएशन के सदस्यों ने भी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे एसोसिएशन के सदस्यों ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन डीएम को सौंपा और नई दवा नीति को व्यवहारिक बनाने की मांग की है। ज्ञापन देने आए थे मेरठ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और SDM साहब ने हमसे ज्ञापन लिया है। वहीं मवाना में भी दवा विक्रेताओं ने सरकार के दवा बिक्री के नए नियम के विरोध में मेडिकल स्टोर बंद रखे। इस दौरान मवाना केमिस्ट एंड डायग्नोस्टिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भूपेंद्र त्यागी ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM मवाना अरविंद कुमार को सौंपा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार है खबरें कुछ और, आप बने रहिए सिटी हलचल के साथ।